मनीष जी, जो आपने योजनाएं जिनका जिक्र आपने किया है, तो दुनिया जान रही, सूरज की तरह दमक है ये सारा सच सामने। लेकिन मैं जरा जवाब दूंगा उनको जो हत्यारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उनका कोई करीबी उसका देहांत हो गया। मनीष जी देखिए, मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरी चाची खत्म हुई है, मेरे 11 मित्र खत्म हुए हैं पिछले 1 महीने में, जिनमें 3 पत्रकार मित्र, 2 के साथ तो मैंने काम किया, एक हम एक कमरा शेयर करके हम लोग रहते थे, लेकिन महामारी है, उनके देहांत हुआ है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं बक रहा हूँ, उसका कारण है। ये जो लोग ये कह रहे हैं ना, जिनके मित्र के देहांत हो गया या उनके कोई स्वजन का देहांत हो गया और उससे प्रधानमंत्री को हत्यारा कहने लगे, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको कम से कम स्वयं को पत्रकार कहना तो छोड़ देना चाहिए। ये कहें कि मैं आम आदमी हूँ, और ये जो तमगा टांगे हैं मीडिया और पत्रकार का, इनको स्वयं को पत्रकार कहने का कोई अधिकार नहीं है। वजह, तुम्हारा मित्र मर गया तो इस देश का प्रधानमंत्री हत्यारा है, और जिस कांग्रेस के शासन में 5.5 लाख आदमी टीवी से मर रहा था, तब वो प्रधानमंत्री तुमको प्यारा था, तब तुमको जो 5.5 लाख आदमी मर रहे थे, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के बाप थे, वो भी किसी के भाई थे, वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी। कभी सुना आपने इनके मुंह से एक शब्द ये कालक बगल सरकार का कि तुम हत्यारी सरकार, ये हत्यारा प्रधानमंत्री है? तुम्हारा एक प्रिय मर गया, तुम्हारा एक मित्र मर गया, तो तुमको इस देश का प्रधानमंत्री हत्यारा हो गया? और जब 5.5 लाख आदमी मर रहा था, टीवी ऐसी मरी से जिसका ही अपराधी थी ये सरकार, जिसका ये इलाज कर सकती, जो नरेंद्र मोदी ने 7 साल में करके दिखाया कि 5.5 लाख का वो आंकड़ा घटा के 79,000 रुपये ले आए, वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं, तब ये प्रधानमंत्री हत्या। क्योंकि तुम्हारा अगर कोई होगा तो प्रधानमंत्री हत्यारा, बाकी 5.5 लाख अगर मर जाते थे कांग्रेस के शासन में तो कोई इनको फर्क नहीं था, तब इनको वो प्रधानमंत्री बहुत प्यारा था, वो बहुत अच्छा था, तो ये कम से कम स्वयं को पत्रकार कहना बंद कर दे। ये अपने आप को एक तमगा, जो विशेषाधिकार लिया कि मैं मीडिया का व्यक्ति हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं विशेष हूँ, तो इनको शर्म आनी चाहिए अपने आप को कहते हुए। मैंने बताया मैं, मेरे बाल गवाही दे रहे हैं चाची की मृत्यु की, और मेरे 11 मित्र खत्म हुए हैं, और कुछ तो ऐसे जो छात्र जीवन के थे, कॉलेज से थे, लेकिन अब क्या करूंगा उसको? ये महामारी कोई जा सकता, हो सकता मैं चला जाऊं, बिल्कुल, क्योंकि इसका कोई इलाज, इसका कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सतर्कता आपको रखनी है। लेकिन इसको बहाना बना के आप देश के प्रधानमंत्री को हत्या करो, किस आधार पर कह रहे हो? तो इनको तो शर्म आनी चाहिए। ये लगातार सबके, चूंकि सबसे ज्यादा है कि ऐसे भावनात्मक इशू से, आप जो कह रहे हैं कि आपकी चाची गई, आपके कई मित्र गए, आज ही मैंने सोशल मीडिया पर देखा, मेरा भी आज एक मित्र जो है बहुत क्लोज, मेरे साथ चैनल में काम किया था, उसकी मौत हो गई। निश्चित रूप से ये हिला देने वाला है। कुछ दिन पहले मैं प्रेस क्लब में उसके साथ बैठा हुआ था, बहुत सारी योजनाओं पे वो बात कर रहा था जो उसकी प्लानिंग थी, लेकिन उसके मौत पे भी, हर मौत पे ऐसा लगाया जा रहा है, बहुत सारे जानने वाले गए हैं, किसी के यदि जो डायरेक्ट रिलेशन के लोग गए हैं, और इस तरह की बातें, इससे गुमराह करना, ये दिखता है कि कितना खतरनाक खेल है। क्या ये सबके सब एक प्लानिंग में है, एक असफल? मैं इसीलिए शुरुआत में कहा कि जिस व्यक्ति को देश की जनता रिजेक्ट कर रही है, बंगाल में अंडा, केरल की बात की मैंने, असम की बात की, असम में रिपीट होकर सरकार आई है, और मैं ये कह रहा हूं कि इस बार का जो 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कायदे से कहा जाना चाहिए वो असम का है। असम में लौट करके बीजेपी की सरकार आई, इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ भरोसा आपको पूरे पूरे देश भर में, जहां जहां आपकी सरकार रिजेक्ट किया जा रहा है, इस बेले में भी जब आप एक से एक योजना कोरोना पे, इसका मतलब है कि पब्लिक ने रिजेक्ट किया, तो क्या खैरातियों की टीम, ये पूरी ये प्लांट में, जिसे मैं सर्कुलेट जर्नलिज्म कहता हूं, कि एक झूठ आप बोलेंगे, आपके झूठ को मनीष ठाकुर उठाएगा, मनीष ठाकुर के झूठ को एक तीसरा उठाएगा, मतलब हम लोग एक गिरोह बना करके झूठ को सच बनाएंगे, क्या ये खेला चल रहा है क्या? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इनका तथाकथित शोक और शोर, ना वो शोक है ना वो शोर है, वो साजिश है। अगर ये संवेदनाएं इनके अंदर होती तो मैंने कहा ना कि उस 5.5 लाख हत्या जो उस प्रधानमंत्री से पूछते, ये उस प्रधानमंत्री से पूछते कि तुम्हारे समय में केवल लकड़ी जलाने की वजह से 2 लाख औरतें मर जाती थी, निमोनिया ऐसी बीमारी से 2.25 लाख आदमी मर जाता था। तो अगर इनकी संवेदनाएं होती, एक पत्रकार की संवेदनाएं होती, सड़क चलते अनजान आदमी के साथ होती है, तब तो इनके किसी के स्वर आपने सुने? हम लोग तो 20-25 साल से हैं, कभी इनको सुना इस मुद्दे पर बात करते हुए? और अभी आगे जो आपको बताऊंगा वो और चौंकाने वाले मुद्दे हैं, जिस पे गूंगे बने रहे, मुर्दों की तरह शांत रहे। और आज बताएं 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 सर, आज इनका एक परिचित, अगर कोई किसी का देहांत होता, किसी का भी हो गलत है, बहुत दुखद है, लेकिन उसके लिए तुम हत्यारा कहने लगोगे देश के प्रधानमंत्री को?
जाहिर सी बात है कि तुमको शोक नहीं है, तुम्हारे मन में साजिश है, षड्यंत्र के तहत तुम ये शोर कर रहे हो, अपने शोक का ढोल बजाते शोर कर रहे हो, ये है इनका सच।